जनपद के उरई मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर क्रय विक्रय केंद्र माधवगढ़ के पास एक युवक का शव कुएं में तैरता मिला। घटना की जानकारी से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की शिनाख्त की गई और मौके पर पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र नाथ तिवारी और सीओ गिरीश सिंह ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। माधवगढ़ नगर में सुबह 5 बजे डायल 100 को किसी व्यक्ति के कुएं में गिरे होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची डायल 100 की कोतवाली माधवगढ़ को सूचना दी। सूचना पाकर कोतवाल संजय सिंह, सीओ गिरीश सिंह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और सब को कुएं से निकाला और तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजवा दिया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त अंशुल समदिया, उम्र 20 वर्ष, निवासी गोपालपुरा के रूप में की गई। मृतक कई सालों से माधवगढ़ में अपने चाचा के ढाबे पर काम कर रहा था और पिछले 2 दिनों से लापता चल रहा था, जिसकी गुमशुदगी की सूचना माधवगढ़ कोतवाली में परिजनों ने 30 अगस्त को दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद सिंह चतुर्वेदी ने बताया कि मृतक की पहचान अंशुल समदिया के रूप में हुई है। परिजनों की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। सर, माधवगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर एक कुएं में लाश मिली है, क्या है पूरा मामला और उस पर क्या सब अभी तक क्या कर रहे हैं? जो जानकारी मिली है प्रारंभिक, उसके अनुसार अंशुल नाम का एक 19-20 साल का लड़का है, जो अपने मौसेरे भाई अवध बिहारी के यहाँ चाय की दुकान पे काम कर रहा था पिछले 5-6 महीनों से, और वो 29-8 को गायब हो गया और इसके संबंध में पुलिस को सूचना दी गई। 30 तारीख को रात 9 बजे इसकी सूचना दर्ज हुई थाने पर, और आज 31-8 को 100 नंबर पर सूचना मिली कि उसके अवध बिहारी के घर के पास के ही कुएं में वो गिरा हुआ है, ऐसी सूचना दी। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच के, सीओ माधोपुर मौके पर पहुंचे और उन्होंने बॉडी को निकलवाया है और सीएससी ले गए, वहां वो मृत घोषित हुआ। जो प्रारंभिक सूचना है उसके अनुसार नशे का आदि बताया जाता है। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि करने के लिए संकेत लिखे जा रहे हैं पंचायतनामे में, इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी क्या परिवारजन की तरफ से कोई तहरीर की गई है या किसी के खिलाफ उन्होंने कोई नामजद रिपोर्ट? नहीं, अभी किसी को नामजद नहीं किया है। मृतक के पिता से भी बात हुई है, वो मौके पर आ गया है। अभी उसने किसी प्रकार की कोई शक या किसी के ऊपर कोई शक जाहिर नहीं किया है।